ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 18 के ऊपर की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन कब लगेगी, इसका क्या प्रोसेस है और ये कब तक वैक्सीन आपको अवेलेबल हो जाएगी भारत में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल यानी 28 तारीख को शाम को 4 बजे से कोविन ऐप जो है भारत सरकार की, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन उसमें करवाना पड़ेगा जो 18 की उम्र के ऊपर के लोग हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोगों को एक SMS के द्वारा यह बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। मगर अभी करंटली अगर देखा जाए तो लगभग सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वहाँ पे 18 के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो वैक्सीन जो है जैसे ही उपलब्ध होगी, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट उसका ऑर्डर देगी, स्टेट गवर्नमेंट के बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल होगा जहाँ पे आपका नियरेस्ट जो भी वैक्सीनेशन सेंटर होगा वहाँ पे वो स्लॉट को अपडेट किया जाएगा और उसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर पाएंगे। तो ये सब प्रोसेस कब होगा, अगर आप ये चीज़ जानना चाह जा रहे हैं तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जो 45 की उम्र के ऊपर के लोग हैं उनके लिए अभी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो लोग अभी भी लगवा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेट इसकी कब है तो ये कोई नहीं बता सकता, ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्टेट है, उसने अभी प्रोक्योरमेंट किया है कि नहीं किया है वैक्सीन का, और आगे चल के वैक्सीन आपके नियरेस्ट जो सेंटर है जहाँ आप रहते हैं वहाँ तक कब पहुँचेगी। तो आप सभी लोगों जानते हैं जैसे अभी आपको पहली डोज़ लगेगी 1 मई से, भारत सरकार ने चालू किया है कि 1 मई से 18 प्लस वाले लोगों को वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पहली डोज़ लगेगी सबसे पहले, उसके बाद सेकेंड डोज़ कुछ गैप के बाद लगती है। मगर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि उसका प्रोसेस कैसे कराया जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए। अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, यानी वॉक इन पे जाके एकदम से आप सेंटर पे जाके बोलेंगे कि मेरे को वैक्सीन लगा दो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको जो भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कोविन पे जाके उनके पोर्टल पे, उनका एक पूरा FAQ पड़ा हुआ है जिसमें आप क्वेश्चन, उनके जो सवाल हैं सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ निजी अस्पताल टीकाकरण केंद्र जो हैं वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदेंगे। निर्माता कंपनियां अपने स्टॉक का 50% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार को बेचेगी और बाकी के बचे हुए 50% में राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को देगी। इसकी कीमत अलग अलग है, अभी इंडिया में दो ही वैक्सीन है, एक कोविड शील्ड है दूसरी कोवैक्सीन है। अगर हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो कोविड शील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को प्रति डोज के हिसाब से जो भी उनका रेट फाइनल होगा आगे चल के, जो भी देखिए क्या पता और कम हो जाए, जो भी होगा फाइनल रेट उस पे देगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल्स में ये चीज़ फ्री रहेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया है कि अभी खुले बाज़ार में जो कोविड शील्ड है उसको मिलने में वक्त लगेगा, और लगभग लगभग 4 से 5 महीने का समय इसमें लग सकता है। वहीं कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये भारत बायोटेक की कंपनी की है और ये पूरी स्वदेशी कोवैक्सीन है, और इसका भी इसी प्रकार से प्रति डोज का जो भी रेट है वो फाइनल होगा, और निजी अस्पताल और टीकाकरण केंद्र में ये आपको उपलब्ध हो पाएगी। अभी फ़िलहाल एक तरीके से पोर्टल में जो दिख रहा है वो स्लॉट अवेलेबल नहीं है 18 प्लस वालों के लिए, मगर हाँ आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करा सकते हैं, जो आप कराइए। अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।